हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल बीट द नीट। और आज में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अध्याय 4 प्राणी जगत। इसकी ऑडियो बुक मैं आज आप लोगों के साथ में प्रिपेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि पूरे एक ही वीडियो में आपकी ऑडियो बुक रिकॉर्ड हो जाए। आई होप कि आप लोगों की ऑडियो बुक काफ़ी हेल्प कर रही होंगी रिवाइज करने में, चैप्टर को पढ़ने में, रीडिंग करने में, क्योंकि कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पढ़ के सुना दे। तो ये ऑडियो बुक बिल्कुल वैसी ही है आपके लिए। आप बस बुक लेकर के बैठ जाइए और कान में हेडफोन लगाइए और उसके बाद आप आराम से इस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए। बच्चों, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ डिफरेंट थिंग है जो आपकी मदद कर रही है नए तरीके से, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब इसकी डेली ज़रूरत पड़ने वाली है। आप सभी लोग मेरी 1 मिनट बायोलॉजी की वीडियोस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उन छोटे छोटे 1 मिनट के अंदर मैंने पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो उन वीडियोस को भी देखिएगा और अपना प्यार उनको भी दीजिएगा, जैसे आपने मेरे ऑडियो बुक्स को अपना प्यार दिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अध्याय 4 प्राणी जगत। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों की विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब आप लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है अब तक, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी हुई गई प्रजातियों का वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई गई हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है और इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। 4.1.1 संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच का श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएँ अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटी हेलमेंथीस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर के अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुगी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य रहता है, यानी प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटी हेलमेंथीस। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का है, खुला तथा बंद। नंबर 1, खुले परिसंचरण। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। नंबर 2, बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। 4.1.2 सममिति। प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममिति के होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है, तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। सिलेंट्रेट, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममिति होती है, किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। आप ये दोनों चित्र देख सकते हैं, 4.1 आ अरीय सममिति और 4.1 बा द्विपार्श्व सममिति। इसको रेडियल सिमेट्री और इसको बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। 4.1.3 द्विकोरिक तथा त्रिकोर की संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अतः अंतः त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे सिलेंट्रेट। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है, उसे त्रिकोरिकी कहलाते हैं, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज में रज्जुकी तथा चित्र 4.2 बा। यहाँ पे आप द्विकोरिक
एवं त्रिकोरिक यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक देख सकते हैं। 4.1.4 प्रगुहा यानी सीलोम, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा यानी प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनेलिड, मोलस्क, आर्थोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में दिखाई में पाई जाती है। उन्हें कूट गुहिक कहते हैं, जैसे एसके हेलमेंथीस। जिन्हें प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुही कहते हैं, जैसे प्लेटी हेलमेंथीस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका अगुही यानी कि एसीलोमेट, ये आपका है प्रगुही यानी जिसमें सीलोम प्रेजेंट होती है, और ये है आपका स्यूडोसीलोमेट जिसे कूट गुहिक कहा जाता है। 4.1.5 खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन, कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और ये विखंडावस्था कहलाती है। 4.1.6 पृष्ठरज्जु, शलाका रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी यानी कि नॉन कॉर्डेट कहते हैं। 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण, प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णिक मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है जिसका वर्णन सामान्य इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। 4.2.1 संघ पोरीफेरा, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, सामान्यतः लवणीय तथा असममिति होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र यानी ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। क्वाइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है यानी अंतराकोशिक। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही के द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन यानी साइफा, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज तथा यू स्पॉन्जिया यानी बाथ स्पंज है। यहाँ पे आप इन तीनों के चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर आपका चित्र 4.4 में मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण दिया गया है। यहाँ प्राणी जगत संगठन के स्तर, सममिति, प्रगुहा और संघ यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4.2.2 संघ सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, ये जलीय अधिकांशता समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम इनके दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंशकोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। चित्र 4.7 नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकी होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतः कोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेड्यूसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा एंड मेड्यूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है जैसे ऑरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण में यानी मेटाजेनेसिस होता है जैसे ओबेलिया। पॉलिप लैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया, पुर्तगाली युद्ध का मानव।
एडेम्सिया समुद्री एनिमोन, पेंट्यूला समुद्री पिच, गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजन, तक्ष तथा मैंडरीना यानी ब्रेन कोरल। 4.2.3 टिनोफोर, बट उससे पहले आप यहाँ पे 4.7 नाइडोब्लास्ट का आरेखी दृश्य देख सकते हैं, और यहाँ पर आप 4.6 में सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल ऑरेलिया एडेम्सिया दोनों ही देख सकते हैं, यानी कि मेड्यूसा एंड पॉलिप। फोर पॉइंट टू पॉइंट थ्री संघ टीनोफोर। टीनोफोर कंकत धर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली या फिर कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरी सम्मति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षांभी कंकत पट्टिका होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंताकोशिका तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती, उदाहरण प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना। 4.2.4 संग प्लेटी हेलमेंथीस चपटे क्रमी, लेकिन यहाँ पर आप पहले चित्र देख सकते हैं। 4.8 टीनोप्लाना प्लूरोब्रैंकिया का उदाहरण। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतया चपटे क्रमी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोणकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं, चित्र 4.9। कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, उदाहरण टीनिया यानी फीता क्रमी, फेसियोला यानी पर्णक्रमी। यहाँ पर आप दोनों का चित्र देख सकते हैं, 4.9 प्लेटी हेलमेंथीस के उदाहरण। 4.2.5 संघ एसके हेलमेंथीस यानी गोलक्रमी। एसके हेलमेंथीस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं अतः इन्हें गोलक्रमी कहते हैं। ये मुक्त जीवी जली अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोर की तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित प्रेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है, उदाहरण एस्केरिस गोलक्रमी, विचेरिया फाइलेरिया क्रमी, एनसाइलोस्ट्रोमा अंकुश क्रमी। 4.26 एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल तथा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सम्मिति में होते हैं। ये त्रिकोणकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बटा होता है, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। प्राणियों में अनुद्वैर्घ तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद यानी उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्क एक वचन नेफ्रीडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जुड़ी गुच्छिकाएं यानी एक वचन गैंग्लियन होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। नेरीज एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी जिनके लेकिन केचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, उभा लिंगाश्रयी होते हैं। ये जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, उदाहरण नेरीज फेरेटिमा केचुआ तथा हेरिडोनारिया रक्त चूषक जोंक। 4.2.7 आर्थोपोडा। आर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थोपोडा की ही है, चित्र 4.12 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोर की विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। ऑर्थोपोड का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। इसमें संधियुक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम पुस्तक्लोम पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है।
परिसंचरण तंत्र खुला होता है, संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त संतुलन पुटी स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मालपिगी की नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं एपिस मधुमक्खी व बॉम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, रोगवाहक कीट एनाफिलीज क्यूलेक्स तथा एडीज ये मॉस्किटोज हैं। यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्ट तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस राज कर्कट किंग क्रैब आदि। 4.2.8 संघ मोलस्का, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंग स्तर स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोर की तथा प्रगुही प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर पेशीय पात तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जिव्या या फिर रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला यानी सेब घोंगा, पिंकटाडा यानी मुक्ताशुक्ति, सीपिया यानी कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रत कवचर और कीटोप्लूरा काइटन। 4.2.9 एकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त प्राणी, यहाँ पर आप इनका चित्र देख सकते हैं। 4.14 इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा शूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते हैं जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममित होते हैं। ये सब त्रिकोर की तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है जो चलन तथा भोजन पकड़ने में श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः वाय होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण नेस्टरेस तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडॉन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी तथा ऑफियूरा यानी भंगुर तारा। 4.2.10 संघ हेमिकॉर्डेटा, यहाँ पर आप बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम देख सकते हैं। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकीय में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमी के समान तथा समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति त्रिकोर की तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बेलेनोग्लॉसस तथा सैकोग्लॉसस। 4.2.11 संघ कार्डेटा यानी कि रज्जु की। कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वता सममिति त्रिकोर की तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदापश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। सारणी 4.1 अरज्जुकी एवं रज्जुकी के विशिष्ट लक्षणों की तुलना है। यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं और यहाँ पर आप चित्र 4.16 में रज्जुकी की विशिष्टताएं देख सकते हैं। रज्जुकी एवं अरज्जुकी, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, अरज्जुकी में अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है, जबकि अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, अरज्जुकी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। रज्जुकी में हृदय अधर भाग में होता है,
इसमें अरजुकी में हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित होता है, अगर उपस्थित है तो। और रजुकी में एक गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है और अरजुकी में गुदा पश्चपुच्छ अनुपस्थित होती है। संघ कॉर्डेटा तीन उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्विनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा एसीडिया, सेल्पा डेलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जु भी है किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पख यानी फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आप इसका डिवीजन देख सकते हैं, वर्टिब्रेटा नैथोस्टोमेटा जहाँ पे जबड़ों का अभाव होता है एवं नैथोस्टोमेटा जहाँ जबड़े उपस्थित होते हैं। नैथोस्टोमेटा को एक वर्ग में डिवाइड किया गया है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। और नैथोस्टोमेटा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पिसीज एंड टेट्रोपोडा। पिसीज यानी कि पख उपस्थित होते हैं। वर्ग हैं इसके कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्टिच थाइस। टेट्रोपोडा में आपके चतुष्पाद यानी पाद उपस्थित होते हैं। इसमें एम्फीविया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया यानी कि स्तनी वर्ग आते हैं। 4.2.11.1 वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होते हैं होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद में मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे तथा मिक्सीन यानी हैगफिश। यहाँ पर आप 4.19 में देख सकते हैं, पेट्रोमाइजोन, स्कॉलियोडॉन एंड प्रिस्टिस। 4.2.11.2 वर्ग कॉन्ड्रिच थाइस इट इज। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इसका अंत कंकाल उपास्थिल है, मुख अधर पर स्थित होता है, पृष्ठरज्जु चिरास्थाई होती है, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद आपरकुलम से ढके रहते हैं, ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाप शल्क युक्त होती है। पट्टाप दांत पट्टाप शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दांत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियाँ हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं टॉर्पीडो तथा कुछ में विषदंश ट्राइगोन होते हैं। ये सब असमतापी यानी पॉइक्युलोथर्मिक हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणिपक में अलिंगिक क्लस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण स्कॉलियोडॉन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली, कार्केरोडॉन्स विशाल सफ़ेद शार्क और ट्राइगोन यानी व्हेल शार्क। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। 4.2.11.3 वर्ग ऑस्टिस्थाइस। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है। मुख अधिकांशता अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों प्रच्छद ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइकोसॉइड टीनोइड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक आलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशता अंडज होते हैं। निषेचन प्रायवाह होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एक्सटोसिस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस यानी समुद्री घोड़ा, अलवड़ी लेबियो यानी रोहू, कतला, क्लेरियस मांगुर, एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश, पेट्रोपिसम यानी एंग्ज मछली।
ये चित्र जो आपने 4.20 में देखे थे, ये आपके इस वर्ग के हैं। इसके पहले वाले वर्ग के चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4.2.11.4 वर्ग एम्फीबिया यानी उभयचर। जैसा कि नाम से इंगित है, एम्फी मतलब दो, बायोस मतलब जीवन, कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नाम शल्क रहित होती है, नेत्र पलक वाले होते हैं, बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है, आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं और जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय तीन प्रकोष्ठ का बना होता है, दो आलिंद तथा एक निलय। ये असमतापी प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण बूफो यानी टोड, राना टिग्रिना यानी मेढक, हाइला यानी वृक्ष मेढक, सेलेमेंड्रा यानी सेलेमेंडर, इक्थियोफिस यानी पाद रहित उभयचर। 4.2.11.5 वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेप्रे अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। चित्र 4.22। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। दो जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्यतः तीन प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में चार प्रकोष्ठ का होता है, ये एक्सेप्शन है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क का त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण किलोन यानी टर्टल, टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टॉइस, कैमलियन यानी वृक्ष छिपकली, कैलोटस यानी बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस यानी घड़ियाल, हेमीडेक्टाइल्स यानी घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प नाजा यानी कोबरा, वंगारस, क्रेत, वाइपर। यहाँ पर आप इनके चित्र भी देख सकते हैं, कुछ आपको दे रखे हैं। 4.2.11.6 वर्ग एवीज यानी पक्षी। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर इसमें चोंच पाई जाती है। चित्र 4.2.23। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायुकोश युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशनी होती है। हृदय पूर्ण चार प्रकोष्ठ का बना होता है। ये समतापी यानी होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण कार्वस यानी कौवा, कोलंबा यानी कपोत, सिटिकुला यानी तोता, सिट्रिया यानी ऑस्ट्रिच, पैवो यानी मोर, एटिनोडाइटिस यानी पेंगुइन और सूडोगायपस यानी गिद्ध। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। 4.2.11.7 वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवी ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 4.24। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय चार प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण हमारे हैं अंडज और निथायरिंकस प्लेटिपस या डगबिल, कंगारू, चेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रैट्स चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एल्फिस हाथी, एक्विस घोड़ा, डेलिफिनिस सामान्य डॉल्फिन, वेलेपनिप्टेरा ब्लू वेल, पैंथरा टाइग्रिस बाघ, पैंथरा लियो शेर। यहाँ पर आप इनके चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर आप सारणी 4.2 प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण देख सकते हैं। यहाँ पे संघ, संगठन का स्तर, सम्मिति, गुहा, खंडी भवन, पाचन तंत्र,
परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और विशेष लक्षण दिए हुए हैं। सभी फाइलम्स हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसमें सारे ही लक्षण एक ही जगह पर दिए हुए हैं। सारांश, मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सम्मिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पोरीफेरा जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कशाभी की कोशिका यानी कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक और दंशकोरक यानी नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतया जलीय, स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकत पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेलमेंथीज चपटेक्रमी प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपाशर सम्मति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेलमेंथीज में स्पष्ट चूषक और अंकुश होते हैं। एस्केहेलमेंथीज में कूट प्रगुही वाले गोलकृति प्राणी होते हैं। एनेलिड प्राणी विखंडित खंडित होते हैं जिनमें प्रगुहा होती है में बाह्य अंताखंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें संधियुक्त पाद होता है। मोलस्का का कोमल शरीर कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। इकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकॉर्डेटा कृमि की तरह लवड़ी प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें शुंड, कॉलर एवं वक्ष होते हैं। संकॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु या तो प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव अग्नेथा तथा अन्य में जबड़े यानी नेथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा अग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा के दो अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, पिसिश तथा टेट्रोपोडा। वर्ग कॉन्ड्रिस्थाइज और ऑस्टिस्थाइज का चलन पख द्वारा होता है तथा ये पिसिश के अंतर्गत है। कॉन्ड्रिस्थाइज लवड़ी मछलियों में वही कंकाल उपास्थिल होता है। उभयचर एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग एवीस तथा स्तनधारी मैमेलिया वर्गों में दो जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रोपोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं क्रेटिनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं। मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी यानी अनियत तापी हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पश्चपाद चलने, तैरने, टिकने, पक्षीशाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि तथा त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायुज यानी बच्चे देने वाले होते हैं। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप इस ऑडियो बुक ने आपकी हेल्प ज़रूर की होगी। तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और 1 मिनट बायोलॉजी के वीडियोस देखना मत भूलिएगा और उनमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे मैं 1 मिनट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर एवरीवन।